हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चावल और दाल से बनने वाली पिट्ठा की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे बहुत जगह पर फरा भी बोला जाता है। ये पिट्ठा खासतौर भैया दूज और गोवर्धन पूजा के अवसर पर बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाने में हमें न तो कोई घी या तेल की जरूरत पड़ती है। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल का पिट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले हम चना दाल को भिंगो कर रख देंगे। मैंने यहाँ 1 कप चने दाल को रात भर भिंगो कर रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गया है। मैंने यहाँ लहसुन को छील कर ले लिया है। इसके बाद मैंने अदरक और नींबू लिया है। इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा डलता है, तो लहसुन का मात्रा ज्यादा ही रखें। सबसे पहले हम चना दाल को पीसेंगे। इसके लिए चना दाल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, साथ में अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। इसे हमें पीस लेना है। दाल का हमें बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इसे हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, तभी खाने में ये टेस्टी लगता है। इसे हम बिना पानी के ही पीसेंगे। पानी डालने से ये गीला हो जाएगा। देखिए, मैंने इसका दरदरा सा पीस लिया है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तीखा के लिए मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब हम जीरा पाउडर डालेंगे, साथ में हींग डालेंगे। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने जो नींबू लिया था, नींबू का मैंने जूस निकाल लिया है। आपके पास नींबू ना हो तो आप चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे ये चटपटा बनेगा। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 1/2 चम्मच मंगरेला डालेंगे, जिसे काला जीरा भी बोलते हैं। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक के साइड में कर देते हैं। अब हम चावल का आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल का आटा लिया है। इसे बहुत जगह चौरठ भी बोला जाता है। इसे हम एक बड़ा बर्तन में डालेंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चावल में हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। चावल का आटा गर्म पानी से ही गूंथा जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम लोई निकाल लेंगे। नींबू से थोड़ा बड़ा साइज का लोई निकालेंगे। इसे हथेलियों पर रख के घुमाते हुए गोल करेंगे। अब इसे दबाते हुए पूरी की तरह हाथों में ही चिपटा कर लेंगे। हमने जो दाल का फिलिंग तैयार किया हुआ था, 2 चम्मच इसके सेंटर पर रखेंगे। फिर इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से इसके साइड को दबा देंगे, जिससे ये खुले नहीं। आप इसमें हल्का सा डिजाइन भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बनाया है, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए, एक पिट्ठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के पिट्ठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सिंपल, एक लोई को हाथ में लेना है, उसे फ्लैट कर लेना है और सेंटर में दाल वाली फिलिंग रख के बंद कर लेना है। अब इसमें मनचाहा डिजाइन बना लेंगे। इसी तरह मैंने सारे पिट्ठे को तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे पका लेते हैं। मैंने यहाँ बड़ा बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। इसमें हम एक एक करके पिट्ठा को डालेंगे। आप चाहे तो पिट्ठा को स्टीम भी कर सकते हैं। पानी के ऊपर एक जाली वाली थाली रख के इसमें पिट्ठा को रख दें। मैंने यहाँ डायरेक्ट पानी में पकाया है। अब इसे हम 10-15 मिनट तक पकाएंगे। जब ये कुक हो जाएगा तो पिट्ठा ऊपर तैरने लगेगा। अब देख सकते हैं, पिट्ठा ऊपर तैर रहा है, मतलब ये पक गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारा चावल और चने दाल का पिट्ठा बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस पिट्ठा को एक बार इस तरह से बिहारी स्टाइल में बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे किसी हरी चटनी या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ठंडे के मौसम में इस पिट्ठा को बनाकर खाने में बहुत मजा आता है। आप इस पिट्ठे को तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।